स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 की मार्किंग स्कीम देखेंगे, जो कि मिड टर्म एग्ज़ाम की मार्किंग स्कीम होगी 2023-24 सेशन। फिजिक्स की आपकी मार्किंग स्कीम है मॉर्निंग शिफ्ट के लिए। 3 घंटे का पेपर था आपका 70 मार्क्स का। तो सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन का बी आंसर आ जाएगा, सेकेंड का ए, थर्ड का डी, फोर्थ का बी, नेक्स्ट फिफ्थ का आपका सी आ जाएगा, सिक्स का बी, सेवन्थ का ए, एट्थ का बी, नेक्स्ट आपका नाइन्थ का डी, टेंथ का सी, इलेवेंथ का ए, ट्वेल्थ का बी, नेक्स्ट 13 का ए, 14 का बी, 15 का सी, देन आपका 16 का डी। एंड सेक्शन बी में ये ग्राफ बनाना था, तो ये आपका ग्राफ बनता और स्लोप ऑफ लाइन, ये इसका पूरा सॉल्यूशन है, यहाँ पे आपको पूरा दे रखा है। देन 18 का आपको ये क्वेश्चन का ग्राफ ऐसे सॉल्व करना था, और इसका और पार्ट को ऐसे बी इजल टू 3 न्यूटन आ जाता। 19 का आपको ऐसे सॉल्व करना था, और इसके अथवा वाले पार्ट को ऐसे। देन 20 का ये ग्राफ आपको दे रखा है, और ये वैल्यूज पुट ऐसे करनी थी आपको, और अथवा में कोई भी मेथड आपने जो करी होती तो वो करेक्ट हो जाती। 21 में ऐसे आपको डायग्राम बनाना था और सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा देना था। देन सेक्शन सी में ये आपके 3 ग्राफ बनते ए बी सी। देन 22 में ये आपका एक ग्राफ बनता और ये फार्मूला डल के वैल्यूज पुट होती। अगर आपने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करा है वो भी सही जाता। 24 में आपका 14 जूल, बी में आपका 5 जूल आंसर, और वर्क जो एनर्जी है, वर्क एनर्जी थोड़ा -35 आ रहा था। 8वां में आपका ये आंसर हो जाता। देन 25 में ये वाला फार्मूला लगता और यू की वैल्यू आ जाती। 25 में ऐसे सॉल्यूशन होते। 27 में ए बी सी आपके आंसर। देन 28 एंड देन ये सेक्शन डी स्टार्ट हो गया, फर्स्ट सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेकंड फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का सी, अथवा में ए आपका आंसर होता, फोर्थ का सी। देन 13 में फर्स्ट का बी, सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर्थ का ए, एंड अथवा में सी इज इक्वल टू 0। देन सेक्शन ई के ये सॉल्यूशन आपको दे रखे हैं, फिर ये बी पार्ट के सॉल्यूशन, देन अथवा के क्वेश्चंस। 32 में करेक्ट डायग्राम आपको बनाना था, देन ये अथवा का क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके, देन बी पार्ट का ये आंसर। एंड 33 में फिर आपको ये करेक्ट डेफिनेशन और डायग्राम बनाने थे, एंड ये आपका पूरा अथवा का आंसर हो जाता। ऐसे ये आपकी टी की 10 थीटा की वैल्यू आ जाती, 78 न्यूटन। तो ये पूरी आपकी मार्किंग स्कीम थी। आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइज़।